इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक रॉकेट कैसे काम करता है। पहली नजर में रॉकेट लगभग एक जादुई तकनीक की तरह लगता है। अब तक का जो सबसे बड़ा रॉकेट अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है उसका वजन था 27 लाख किलो, लगभग 1500 कारों के वजन के बराबर। तो कैसे इतनी भारी चीज इतनी ऊंची उठ सकती है कि वो पृथ्वी के वायुमंडल से ही बाहर निकलने में सक्षम हो जाए? आप मानेंगे नहीं, लेकिन रॉकेट को चलाने वाले बेसिक प्रिंसिपल्स रिलेटिवली काफी सिंपल हैं। और आज हम एक बेसिक मॉडल रॉकेट जो हमने खुद बनाया है, जिसे आप भी खुद बना सकते हैं, का यूज करके सही कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। सभी रॉकेट्स जिस बेसिक प्रिंसिपल पर काम करते हैं वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कि असल में फिजिक्स के सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स में से एक है। तो चलिए देखते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्या मतलब है। अगर हमारे पास यहां बने हुए रॉकेट की तरह का एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m और वो वेलोसिटी v के साथ आगे बढ़ रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम होगा m into v, यानी उसके मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। और मोमेंटम की एक खास बात यह है कि यदि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जो अपने एनवायरमेंट से आइसोलेटेड है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि सिस्टम का मोमेंटम समय के साथ नहीं बदलता। यही कारण है कि हम कहते हैं कि मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है। तो आइए इसे एक ऐसी सिचुएशन पर अप्लाई करते हैं जो पहली नजर में तो रॉकेट के साथ जुड़ी हुई नजर नहीं आती, लेकिन आप देखेंगे कि ये दोनों काफी सिमिलर हैं। तो मान लीजिए हमारे लोकप्रिय क्रिकेटर सचिन गेंद को हाथ में पकड़े हुए एक फ्रिक्शनलेस पिच पर खड़े हैं। तो हमारे पास हैं सचिन, जिनका मास है ms, और गेंद जिसका मास है mb। और शुरू में सचिन और गेंद दोनों आराम से खड़े हैं, दोनों की वेलोसिटी अभी जीरो है। तो अभी सिस्टम का टोटल मोमेंटम क्या होगा? इसके लिए हमें सचिन और गेंद के मोमेंटम को जोड़ना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि दोनों की वेलोसिटी अभी जीरो है इसलिए सिस्टम का टोटल मोमेंटम भी जीरो ही होगा। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इस सिस्टम के बारे में हमें यह बताता है कि अगर हम किसी और वक्त पर सिस्टम को देखेंगे तो भी सचिन और गेंद का टोटल मोमेंटम जीरो ही होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कुछ समय बाद सचिन ने गेंद को फेंकने का फैसला किया, तो अब हमारे पास है वी वेलोसिटी से चलने वाली एक गेंद। अगर हम इस गेंद को ध्यान में रखते हैं तो अब सिस्टम का टोटल मोमेंटम होगा गेंद का मास एमबी इंटू वी, जो कि हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं जीरो नहीं है। लेकिन मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए, यानी टोटल मोमेंटम को जीरो बनाने के लिए, सचिन को नई वेलोसिटी के साथ पीछे की तरफ चलना पड़ेगा। मान लीजिए सचिन की नई वेलोसिटी है वी आर या वी रिकॉइल। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के आधार पर की गई कुछ सिंपल कैलकुलेशंस के बाद हम कह सकते हैं कि वी रिकॉइल इज इक्वल टू एमबी इंटू वी अपॉन एमएस। तो इस एग्जाम्पल से हमने ये सीखा कि अगर किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को आगे की ओर धकेलता है तो उस पहले ऑब्जेक्ट को भी पीछे की ओर एक धक्का लगेगा, क्योंकि सिस्टम का मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। अब रॉकेट को समझना हमारे लिए आसान है क्योंकि वो उसी तरह काम करता है जैसे सचिन और गेंद। लेकिन गेंद को फेंकने के बजाय रॉकेट अपने खुद के कुछ मास को नीचे की ओर धकेलते हुए उड़ान भरता है। वास्तव में जब एक रॉकेट ऊपर की तरफ बढ़ रहा होता है उस दौरान उसका इंजन हर समय कुछ न कुछ मास नीचे की ओर धकेलता रहता है, क्योंकि इस मास को नीचे की ओर धकेला जाता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक रॉकेट को ऊपर उठना चाहिए। और अगर फोर्सेस के संदर्भ में बात करें तो रॉकेट को अपने मास को नीचे धकेलने के लिए कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से रॉकेट पर भी एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स लगेगा और रॉकेट ऊपर की ओर उठेगा। एंड दैट्स इट। सो इस तरह कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या न्यूटन का तीसरा लॉ रॉकेट की उड़ान के लिए उपयोगी होता है। और ये वास्तव में एक मॉडल रॉकेट में कैसे होता है, ये सब होता है यहां दिखाए गए इस उपकरण में, जो कि हमारे मॉडल रॉकेट का इंजन है। अगर हम इंजन के अंदर देख सकते तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहां तीन अलग अलग प्रकार के प्रोपेलेंट्स हैं जो इंजन के अंदर सावधानी से बांधकर रखे होते हैं, जो केवल नीचे की तरफ से खुला हुआ होता है। और जब हम रॉकेट लॉन्च करते हैं तो इंजन में एक इग्नाइटर रखते हैं। ये एक ऐसे तार का छोटा सा टुकड़ा होता है जिसमें करंट पास करने पर आग लग सकती है। करंट पास करने के लिए हम एक बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। तो जब इग्नाइटर जलता है तो प्रोपेलेंट में भी आग लग जाती है और वो जल्दी से एक ठोस से गैस में बदल जाता है, जो सिर्फ एक ही तरफ से इंजन से बाहर आ सकती है, नीचे की तरफ। इससे फ्यूल यानी गैस लगातार नीचे की तरफ निकलती रहती है, जिससे रॉकेट को ऊपर उठने में मदद मिलती है। अब जब आप रॉकेट लॉन्चिंग की थ्योरी समझ ही गए हैं तो क्यों ना कुछ प्रैक्टिकल भी कर लिया जाए।